नमस्कार। न्यूज ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की अंदरूनी उठापटक की। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी के विधायक हैं, परंतु जब से उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को बल्ला मारा है, तब से वो जिसको कहें बुरी स्थिति में है। इस मायने में कि हाईकमान उन पर किसी तरह की मुरव्वत दिखाने का जिसको कहें जहमत नहीं उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद आकाश विजयवर्गीय और उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब कोई मामला बचा ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें जारी हैं, और इन्हीं अटकलों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्टर PCC के बाहर उनके समर्थकों ने लगा दिया, और ये कहा है उस पोस्टर में कि इन जैसा और कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। इसे लेकर बाकी के गुट के जो कांग्रेसी नेता हैं वो नाराज़ हैं। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुटबाजी है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर, उनकी राजनीति पर कितना असर डालने वाली है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मैं बात करूं अगर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में तो अरुण पटेल जी रहेंगे, वो यहाँ पर समीक्षा करेंगे कि ये दोनों पार्टियों में जो समीकरण बन रहे हैं उनके क्या दूरगामी परिणाम आ सकते हैं। बात करूं अगर सपाक्ष की तो हरिओम गुप्ता जी हैं, वो यहाँ सपाक्ष का भी पक्ष रखेंगे और हमें विपक्ष की जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है चेतन जी कि आकाश विजयवर्गीय जी का एपिसोड, एक तरफ तो उनके पिताश्री कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, और आज जो है आकाश जी की मुलाकात शिवराज जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी से हुई है और कहा यह जा रहा है कि उनसे कैफियत पूछी गई है, क्या बोलेंगे आप? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से जो घटनाक्रम था, घटनाक्रम किसी भी दृष्टि से पार्टी परिवार के लिए ठीक मैसेज नहीं गया, लेकिन यही जीवन है। जीवन में अनेकों बार गलतियां होती है, एक गलती ये भी है और आकाश जी ने इसको स्वीकार भी किया है, और निश्चित रूप से जब आदमी कुछ गलती करता है तो उन गलतियों से सीखता है। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का मामला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वे पिता के समान है, प्रथम पुरुष है, और उन्होंने जो बातें कही हैं उनकी बातों पर अमल करते हुए एक नई राह बना करके फिर से काम करेंगे। और जो घर के बड़े होते हैं, परिवार का भाव है पार्टी में, और निश्चित रूप से जो लोग बड़े हैं वे हमको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, हमारी गलतियों पर जो भी बात उनको कहनी है वे कह सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, अब बेटे की बारी है कि उनकी दी हुई डांट से उनको कुछ सीखना चाहिए। और निश्चित रूप से आकाश अभी युवा है, पहली बार सदन में पहुंचे, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, और संघर्ष की राह में तो मुझे लगता है कि इस उम्र में इस तरह की गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, पर यहाँ एक बात और उठ रही है कि मोदी जी के कहने के बाद भी अभी भी एक्शन जो है फील्ड में नहीं दिखा है। ये जो कहा जा रहा था या उन्होंने जो कहा था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई क्या हुई ये पता नहीं चल रहा, और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की थी महात्मा गांधी जी को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए प्रकाश जी, जो पहला मामला महात्मा गांधी जी पर टिप्पणी को लेकर के कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और दीदी का जब आमना सामना हुआ, उस चंद सेकंड की मुलाकात में ही सारी बातें बहुत साफ हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा जी को कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है उनके मन में ठीक से, क्योंकि जो इस देश की एक भावना है कि वे राष्ट्रपिता है, वही भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है वही हम देशवासियों की भावना होना चाहिए। कहीं ना कहीं गलतियां हुई, उन गलतियों से हम लोग सबक लेंगे। वो फील्ड में, परिवार में डांट भाव फटकार ये सब प्रकाश जी एक सतत प्रक्रिया ही चलती रही। नहीं, पर यहाँ एक बात और उठ रही है कि कैलाश जी ने भी ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल का अलगाव चाहते थे महात्मा गांधी जी, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से बंगाल बचा रहा। देखिए प्रकाश जी, ऐसे अगर आप बातें निकालोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से 15 साल पहले बहुत सारी बातें कही, पार्टी के नेताओं ने भी कही और पार्टी की विचारधारा में भी नहीं, तो मुझे लगता है उन बातों को जब तक हम भूलें नहीं। ये तो अभी परसों की ही घटनाक्रम है, तो वो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अतिरेक हो गया कुछ?
प्रकाश जी, मुझे लगता है अगर इतिहास में कोई बातें लिखी हैं तो इतिहास को हम झुठला तो नहीं सकते ना, हम इतिहास को बदल सकते हैं। हो सकता है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहीं उसके बारे में बंगाल को लेकर के महात्मा गांधी जी को लेकर के कुछ पढ़ा हो, साधारण उन्होंने अपनी बातें कही हो, लेकिन ये सर्वविदित है और आज ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं उस प्रयास की सार्थक पहल और सार्थक स्वरूप इस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसमें भी देखने को मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्वच्छता अभियान का जो हमारा लोगो है वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रेरित करता है कि सरकार महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चली। बिल्कुल, क्या कहेंगे गुप्ता जी आपके, ये बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हो रहा है, या वाकई ये अपनी विचारधारा से पलटकर अब इस बात पर आ गए हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? देखिए, ऐसे कोई स्थिति नहीं है। ऐसे हमारे वरिष्ठ श्री चेतन सिंह जी ने बहुत सारी चीज़ें पार्टी की बताई हैं। नेतृत्व की तरफ से जब कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं तो उसे मैं समझता हूँ गंभीरता से लेना चाहिए, किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से। खासकर भाजपा जब ये कहती है कि हमारा पूरा संगठन लोकतांत्रिक तरीके से ही हम चुनाव करते हैं और अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, चाहे टिकट का वितरण हो चाहे कुछ हो, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री ने पूरे देश की मीडिया के सामने जब इतना सार्वजनिक रूप से इतना कड़वा कोई बात कही थी तो उसको बड़ी वजनदारी से राज्य के नेतृत्व को स्वीकार करना था, और उसी समय विधायक जी को भी, आकाश जी को भी और उनके पिताजी को भी ये स्वीकार करना था कि हाँ जिस तरीके से कंडोम करना चाहिए वो कंडोम किया नहीं। उन्होंने आवेदन निवेदन धनादन वाले उस एपिसोड पर तो सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की ही नहीं, जो वास्तविक रूप से जिससे प्रशासन में एक गलत मैसेज गया। और भाई ब्यूरोक्रेट्स जब हैं सत्ता में एग्जीक्यूशन के लिए, और आपका महापौर जब वहाँ मौजूद था तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी संगठन को ये निर्णय लेने में, नोटिस देने में, और नोटिस के बारे में और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहीं ना कहीं विजय कैलाश जी की जो छवि है वो राष्ट्रीय लेवल पर जो जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में मेहनत करके जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है उसका कुछ ना कुछ असर मध्य प्रदेश के वर्तमान नेतृत्व पर दिखता तो है कि वो उस नोटिस जो दिया उसको भी मीडिया में नहीं बताया गया, और कब बार बार कल्पित जो अपने आकाश जी हैं वो कहते हैं कि मुझे नोटिस मिला ही नहीं है, और आज जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है तो, और विधायकों का जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ उसमें भी उन्होंने भाग नहीं लिया, तो ये कहीं ना कहीं गिल्टी तो है। उस गिल्टी को, चूंकि हम सार्वजनिक जीवन में यदि कोई गलती करते हैं खासकर राजनीतिक व्यक्ति, तो वो सार्वजनिक जीवन में ही क्षमा के लिए उसे पहल करना चाहिए, और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में वस्तु स्थिति रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये सारी बात हुई। और अगर मान ली प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से लेते हैं तो उस चीज़ पर भी पार्टी को बिल्कुल गंभीरता से उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारे सहयोगी वरिष्ठ जन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति वो किसी पे किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं रहती, बिल्कुल सही है, उनके कई बार निर्णय ऐसे रहते हैं, हम बलराज मधोक के समय से देखते आए हैं, जो चाहे बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति भी रहा हो अगर पार्टी से वो निकाला गया है तो फिर वो पार्टी ने निकाल ही दिया और उसका वजूद भी खत्म हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा पटेल साहब कि ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और हैं तो क्या उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई है, चाहे वो आकाश विजयवर्गीय के जरिए हो, और अब तो पेंशन घोटाले की फाइल भी खोलने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र में उसे रखा जाएगा पटल पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, तेवर जी, दो चीज़ हैं इसमें। एक तो चेतन जी ने कहा कि मोदी जी पिता हैं, दूसरे बार कहा कि राष्ट्रपिता हैं, तो पिता और राष्ट्रपिता की हालत क्या वैसी हो गई है जैसे घर अपन घर में कई बार बच्चे पिता की बात नहीं सुनते, पिताजी चिल्ला देते हैं, बच्चे अपने मन में आता है वो करते रहते हैं, और क्या, या कांग्रेस से जो हालत अनसुनी राष्ट्रपिता की करना महात्मा गांधी क्या वैसा भाजपा में भी चालू हो गया है, ये दो बात इससे सवाल उठते हैं। तीसरा, बंगाल के विभाजन का आपने पूछा, बंगाल के विभाजन का मेरे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। और तीसरा, आपका कैलाश जी के बारे में कोई कहे या ना कहे, कैलाश जी स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार ना भी कहे तो होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के दो तीन चार नेता हैं, उनमें कैलाश जी भी एक प्रमुख हैं,
कैलाश जी हैं, शिवराज जी ऑलरेडी हैं ही, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, प्रहलाद पटेल, तो इस प्रकार प्रहलाद पटेल तो इस प्रकार की जो सेकंड लीडर जनरेशन लीडरशिप है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वगैरह, तो वो दावेदार तो हैं। हाशिए पर खिसकाने की कोशिश तो हमेशा होती रही है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय हमेशा संकटों या जो भी चुनौती किसी जाति से उभर कर सामने और ताकत से आते रहे, ये उनका पुराना इतिहास रहा है। जैसे आप मऊ में देखें, मऊ में कांग्रेस की सीट थी, वो गए वहाँ से जीत के आए, उनको हरियाणा भेजा, हरियाणा में उन्होंने जो जूनियर पार्टनर के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन्हें लोगों के पीछे रहती थी, वो मुख्य पार्टी बन गई। बंगाल में आपने देखे कि 18 सीट जीत के आए हैं, तो भले ही मोदी जी के नाम पर वोट मिला, लेकिन बंगाल में लोगों को एकजुट करने और बंगाल में जो डिवीजन हुआ है उसका बहुत कुछ भूमिका इनके प्रयासों से हुई है कि ममता के खिलाफ लोग आए हैं, एकजुट हुए हैं ममता बनर्जी के। तो इसलिए कैलाश जी की अनदेखी करना मेरे को नहीं लगता कि इस कांड से उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा ज़्यादा। पर जिस तरह से आकाश विजयवर्गीय ने आज मुलाकात की है, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से मुलाकात करना तो वाजिब है, पर शिवराज सिंह जी से मुलाकात करना क्या दिखाता है? नहीं, शिवराज सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे मिले हूँ। अच्छा, फिर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हो गए, लेकिन सक्रियता में शिवराज जी पीछे नहीं हैं, बल्कि सबसे आगे हैं। सबसे पहले वो पहुँचते हैं, सबसे उनका रिएक्शन आता है, कोई घटना होती है तो नेता प्रतिपक्ष का पहुँचते हैं, बाद में पता नहीं चल पाता है, लेकिन शिवराज जी हमेशा पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मान लो, और वैसे भी अभी आकाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ना उनको निलंबित किया गया, ना उनको कोई कार्रवाई की गई है, तो किसी से मिल सकते हैं? नहीं, पर मुलाकात करें ये बात तो ठीक है, पर नेता प्रतिपक्ष से करें, प्रदेश अध्यक्ष से करें, तो समझ में आता है। क्या शिवराज जी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं आकाश के मामले में? नहीं, शिवराज जी इसलिए कि इस पर जो भी कार्रवाई होगी राष्ट्रीय स्तर से ही होगी, क्योंकि विधायक का मामला है, अंततः यहाँ से रिपोर्ट केंद्र को जाएगी, जो भी रिपोर्ट नोटिस का, और कार्रवाई वहीं से होगी केंद्रीय नेतृत्व से, और शिवराज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं, तो इस वजह से वो मिले हों, मिलने से थोड़ा और सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। और ये जो पेंशन घोटाले का मामला अचानक उछल गया है, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि फोटोकॉपी के जरिए इस घोटाले को दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, सदन के पटल पर रखने की बात कही जा रही है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये बयान दिया है कि ये जो घोटाले की फाइल है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में जिस प्रकार का बहुमत है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी मतलब हंगामे का उसका जवाब देने के लिए कुछ पुराने मामले निकाले जाएंगे, और कैलाश जी का जो पेंशन कांड निकला है रिपोर्ट का, ये पिछली सरकार ने उसको एक्शन नहीं लिया, उसको ठंडे, यदि पिछली सरकार ही कैबिनेट में मीटिंग करके उसको अस्वीकार कर देती आयोग की रिपोर्ट को, तो आज ये रिपोर्ट नहीं आती। तो इसलिए कमलनाथ जी मौका मिला उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, कोई भी उठाएगा। चेतन जी, क्या लगता है ये पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी है बीजेपी की कि कैलाश जी को पूरी तरह हाशिए पे धकेल दिया जाए और शिवराज जी फिर से मेन उसमें आ जाएं लाइन में, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए प्रकाश जी, ये सर्वविदित है कि अगर बुरे मन से, बुरी निगाह से अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले उसमें हमको खुद को जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती, तो इस तरह का चाल चरित्र चेहरा कम से कम भाजपा में तो नहीं। दूसरी तरफ अभी मैं आप गोविंद सिंह जी के बारे में कह रहे थे कि वे विधानसभा के पटल पर रखने वाले हैं, अब चूंकि आपने कहा है तो मैं गोविंद सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ रुपए घोटाले की आपने तो सहकारिता की फाइल भी भेजी थी बना करके, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा ये क्या करते हो, आपको नॉलेज नहीं है काम करने की। तो गोविंद सिंह जी पहले अपने बारे में आत्ममंथन कर लें कि वे जो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको सरकार मान रही कि नहीं मान रही। जिस सरकार के वो मंत्री हैं उनका मुखिया उनकी लिखी हुई नोटशीट को नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये सब एक प्रोपगंडा है माननीय कैलाश जी को बदनाम करने का। और कांग्रेस चाहे जितने ताबूत में कील ठोकना चाहे ठोक ले, अंतिम कील कैलाश जी ही ठोकेंगे, क्योंकि कैलाश जी ने जिस प्रकार से बंगाल में कील ठोकी ये सर्वविदित है, और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ नहीं लगाया। आप देखिए अंदरूनी अंतर विरोधों से घिरी हुई ऐसी सरकारें हैं जो स्वतः गिरने को तैयार हैं, इनकी डूबती हुई नैया को कोई नहीं बचा सकता। अगर कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो कर्नाटक में कमल खिलने से बचा लो, और मध्य प्रदेश की जहां तक बारी है तो मध्य प्रदेश में तो जिस दिन शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा उस दिन इनको पता चलेगा कि तुम्हारी सरकार है कहाँ।
क्योंकि जनता में तो तुम कहाँ बचे हो ये आपको पता ही है। अगर मध्य प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव हो जाए तो इनकी हालत दिल्ली जैसी होगी कि दिल्ली में विपक्ष के नेता के बराबर अपने लोकसभा के सदस्यों को चयनित नहीं चुनाव नहीं जिता पाए, वही स्थिति कमोबेश मध्य प्रदेश में होने वाली। पिछले चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लूटपाट की सरकार है, राजकाज में लगी है और उसको भी लग रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना है, तो सारे मंत्री विधायक लगे हैं चारों ओर से, आने दीजिए ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब धंधे चल रहे हैं, अपने धंधों में फंसे हुए लोग हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। पटेल साहब आपको क्या लगता है, वाकई बीजेपी में कुछ अंदरूनी गुटबाजी चल रही है या सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, अंदरूनी गुटबाजी तो चूंकि 15 साल सत्ता में है तो स्वाभाविक रूप से हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, गुटबाजी चल रही है तो साफ दिखता है। लेकिन चेतन जी ने एक बात कही कि गोविंद सिंह जी ने कोई फाइल भेजी, कमलनाथ जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, कमलनाथ जी खुद के किए पे पूछ लेते हैं। एक अधिकारी का भी नर्मदा घाटी का उदाहरण आया था, उन्होंने कहा कि इसको कैसे बना दिया, किसके मेरे पास अगर ट्रांसफर और उसकी फाइल आती है, इसको किसने अपॉइंट किया, तो बताया कि सब आपने की, आपके आपके अनुमोदन, तो ये भी स्थिति आई है। दूसरा चेतन जी खुद अपनी समीक्षा कर लेते हैं खुद, तो चेतन जब बताया तो उनका ठीक है अनुमोदन कर देते हैं, ठीक बात है। तो ऐसे चेतन जी से एक बात पूछना चाहेंगे कि चेतन जी बता सकते हैं, उसको मांगी कोई नहीं बता सकता, कि आकाश जी ने ये जो कहा कि जो उनका ओरिजिनल बाइक थी, हमें ये सिखाया गया कि पहले आवेदन फिर निवेदन फिर धनादन, तो ये क्या पार्टी में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है, ये चेतन जी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? नहीं, इस तरह की कोई भाषा और परिभाषा, मैं कह रहा हूँ आपने मुझसे पूछा, इस तरह की कोई भी भाषा परिभाषा परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये बात अलग है कि हम सब लोग संघर्ष से निकल कर के आए हैं और संघर्ष ही हमारा नारा है, चाहे हम सत्ता पक्ष में हों चाहे विपक्ष में हों, संघर्ष से हम कभी पीछे नहीं हटते और संघर्ष लगातार करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा है कि सरकार में रहता है तब भी श्रम करता है, विपक्ष में रहता है तब भी श्रम करता है। बहुत अच्छी बात है। पटेल साहब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसी गुटबाजी यहाँ चल रही वैसी कांग्रेस में भी, आज कांग्रेस का जो प्रदेश का कार्यालय है उसके बाहर सिंधिया जी के समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का, ऐसे पोस्टर्स लगा दिए। नहीं नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वो दोनों पर ही क्लेम करते हैं। यहाँ के दो नेताओं में अभी तो इस बात पे ही सहमति नहीं है कि बनाना क्या है, कोई कहता है प्रदेश में बना दो, कोई कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो पोस्टर लगाए उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कह दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब प्रदेश अध्यक्ष अच्छे बन सकते हैं। आप क्या लगता है उसको देख के बाकी के लोग बिफर गए बुरी तरीके से? नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात तो उसके बाद उठी है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुझाव दे दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल से कम उम्र का बनाया जाए, और हर जगह नेताओं के समर्थक होते हैं, इतने ही उत्साहित होकर वो करते हैं, तो ये पोस्टरबाजी से सिंधिया जी को फायदे के नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि इस प्रकार सिंधिया जी को कुछ बनना है तो केवल पोस्टर या यहाँ से नारेबाजी से नहीं बनेंगे वो, उनको हाईकमांड और वहाँ के लोग चाहेंगे तो बना देंगे, क्योंकि सिंधिया जी ऐसे नहीं जिनको हाईकमांड नहीं जानते, मध्य प्रदेश के 3 नेता तो ऐसे कम से कम 4, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और सिंधिया जी, किनको हाईकमांड सीधा जानता है, तो इनके मामले में पोस्टर या समर्थकों कहने से कुछ नहीं होने वाला, इनके कहाँ करना नहीं है अपने आप हो जाएगा उनकी उपयोगिता के हिसाब से। और रहा सवाल सिंधिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मांग यहाँ चली, लेकिन कुछ लोग उनको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो पहले ये तय कर लेंगे वो कहाँ फिट रहेंगे या दोनों जगह अनफिट रहेंगे। नहीं, पर अगर ये बात उठती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली, तो वो तो इसलिए खारिज हो जाएगी, आपको भी समझ में आती है, साधारण जन भी ये समझ सकता है, जो व्यक्ति खुद ही अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गया हो उसको पार्टी की कमान कैसे दी जा सकती है, एक बात। दूसरा, अगर प्रदेश में उनके चांसेस बनते हैं तो आपको क्या लगता है प्रदेश में उनको एकोमोडेट करेगी कांग्रेस? नहीं तिवारी जी, आपका पहला सवाल ये था कि चूंकि वो खुद चुनाव हार गए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कांग्रेस में अधिकांश हारे वो लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक क्षेत्र से हारा है, जिनने अपनी जिम्मेदारी अलग हुए हैं, तो कांग्रेस को बनाना तो हारे में ही पड़ेगा। जो हार गए उनकी नहीं, मैं तो अब नया अध्यक्ष चुनने की बात आ रही है, तो उसमें यही सबसे बड़ा इशू उठा है कि भाई जिसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हो वो खुद ही हार गया है। और नहीं सुनिए, राहुल गांधी ने इस्तीफा ही सिर्फ इसी कारण दिया ना कि अमेठी से वो एक चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अब नहीं चलाऊंगा, तो इस बिना पे उनका तो दावा खारिज होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। इस प्रकार यदि चुनना है आपको तो फिर केरल और वहीं चुनना पड़ेगा, तमिलनाडु कांग्रेस वहीं जीती या पंजाब, बाकी तो कहीं जीती नहीं है। नहीं है ऐसे तो मध्य नहीं है, आप उत्तर भारत में भी कई जगह से जीती नहीं, है नहीं कहा, तो अगर नहीं इसमें बात कर रहा हूँ आपसे, लोकसभा में मेरे ख्याल से उत्तर भारत में नहीं, बहुत ज्यादा प्रदेश से एक है और छत्तीसगढ़ से दो है, नहीं नहीं इसके अलावा भी पंजाब से हरियाणा पंजाब पंजाब इसलिए मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप तो पंजाब को शामिल किया, मैंने कि पंजाब का या आपने क्या बोलते हैं वहां का
केरल या तमिलनाडु से बनाना पड़ेगा, बाकी कहीं ज्यादा जीते नहीं। नहीं, असम में भी तीन जीते नहीं, नहीं। अगर जीतने का क्राइटेरिया होगा तो साउथ की बजाय मतलब जिसको कहें उत्तर भारत से भी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं, बड़े बड़े नाम हैं जो अभी सदन में बैठ रहे हैं। मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो दावा है वो वाकई मतलब सिंधिया समर्थक जो हैं वो जानबूझ के अंधी बॉल फेंक रहे हैं या अंधी खाई में कूद रहे हैं कि कोई कह रहा प्रदेश अध्यक्ष बना दो, कोई कह रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, और वो दिग्विजय समर्थक और बाकी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं हम कुछ नहीं बनने देंगे। मतलब वो एक अपने कहावत है, डिप्टी कलेक्टर साहब भी बैठे हैं अपने से कि एक आदमी तोप का लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तोप का क्या कर रहे हैं, बोले पिस्तौल मिल जाएगी। तो ऐसे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग करोगे तो कोई अध्यक्ष पद तो मिल सकता है, राष्ट्र में कार्यकारी मिल जाए या प्रदेश अध्यक्ष का मिल जाए, आवेदन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आपका लाइसेंस की जगह पिस्तौल का मिलता ही है। बिल्कुल, तिवारी जी ने जैसे कहा कि वो हार गए, अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो नाम चल रहे थे उसमें सुशील कुमार शिंदे सबसे ऊपर नाम, वो भी हारे, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, खड़े भी आ रहे हैं। मैं समझता हूं नहीं, ये तो मीडिया की कयासबाजी थी, पर जो 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 प्राइमरी डिसाइड हुआ वो ये था कि किसी युवा को कमान दी जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को कमान दी जाए जो मतलब लोगों में ऊर्जा भर सके। तो सवाल ये है कि जो खुद ही हार गया हो वो क्या बताएगा राहुल गांधी से ज्यादा युवा कौन हो सकता है। उन्होंने तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो राहुल गांधी की अपने समय पर सही निर्णय सटीक निर्णय ना लेने के कारण ही हो रहा है कांग्रेस का। इतना समय हो गया आपका, 25 महीने हो गए 23 मई के बाद, आप अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि राज्यों की इकाई का क्या होगा, केंद्र का क्या होगा। तो ये तो कांग्रेस को तो आत्मघाती कदम उठा रही है। और ये मध्य प्रदेश की बात है तो ये आज से नहीं है, कांग्रेस कर्नाटक की जो सरकार गिर रही है कांग्रेस की, वो सिर्फ सिद्धारमैया और वो पुराने अपने जो खड़गे जी हैं उनके विवाद के कारण गिर रही है, क्योंकि सिद्धारमैया किसी भी हालत में उस पद को पाना चाहते हैं। तो वो अंतर्विरोध इतना अधिक बढ़ गया है कि वो किसको हटाएं, वो किसको लें। तो यही स्थिति मध्य प्रदेश में, सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं आप उनकी वर्किंग देख रहे हैं किस तरह वो जाते हैं, तहसीलदार को सस्पेंड कर जाते हैं और उसको मुख्यमंत्री नहीं मानता, कलेक्टर कहता है मेरे को कोई अधिकार नहीं, मैं तुम्हारी कोई कागज नहीं भेजूंगा। एक कलेक्टर एक कैबिनेट मंत्री की बात नहीं सुन रहा, तो इससे बड़ी प्रशासन की अराजकता क्या होगी। और पहली जिस तरीके से उन्होंने कार्य प्रणाली वहाँ का निर्णय बाद में हुआ, मीडिया को पहले वो बता रहे हैं, तो ये सिंधिया गुट के जो मंत्री हैं उन्होंने तो अपने आप को इतना आइसोलेटेड कर रखा है। और मैं समझता हूँ सीएम जो जिस तरीके की वर्किंग है सीएम की, उन पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव है, और वो उनके मंत्रियों को कह रखा है कि इनके काम कहीं नहीं होने चाहिए, या जिस तरीके से वो छिन्न भिन्न घूम रहे हैं तो अब वो अपना कहाँ क्या करें। और उसका उत्तर तो अकेले सज्जन वर्मा ही दे देते हैं। सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि अगर मेरे को अध्यक्ष बनाने का नाम चलेगा तो 2-3 कांग्रेस के नेता आत्महत्या कर लेंगे। तो अब इससे बड़ा अंतर विरोध और क्या हो सकता है, जो एक इतनी पुरानी पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी की स्थिति ये हो रही है। तो ये तो कांग्रेस की गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो बाहर हो। नहीं, पर एक गुट उनका ये भी कह रहा है कि साहब राहुल गांधी को हटाइए और प्रियंका गांधी को बना दीजिए, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी कहा। नहीं, यूनानिमसली ये तो उन्होंने राहुल गांधी ने तय कर दिया कि इस बार का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। अब ये तो निरर्थक बातें करना है और कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर करना है। जो भी चिंतन करना है CWC बुलाएं, जो कुछ भी करें और उसको तात्कालिक रूप से करें। अभी भी आप देखिए लोकसभा चल रही है, नेतृत्वहीन जैसी स्थिति कांग्रेस दिख रही है। और लोकतंत्र में स्वयं मोदी जी स्वयं कहते हैं, बीजेपी भी कहती है कि भाई सशक्त विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, और अगर विपक्ष नहीं होगा तो अपनी बात को रखने का मादा कैसे होगा। जिस तरह कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लाने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया, गुलाम नबी आजाद ने भी जो अपनी बात रखी वो भी बड़ी तार्किक रूप से रखी और रिकॉर्ड के आधार पर रखी कि नेहरू जी ने उस समय किन परिस्थितियों में कैसे समझौता किया। तो अगर विपक्ष अच्छा होगा तो तार्किक रूप से सारी बातें रख सकता है और मीडिया के माध्यम से आम जनता को पता लगेगा। अब आपने बंगाल के विभाजन की बात, पता नहीं भैया हमने तो इतिहास में कहीं नहीं देखा कि हाँ बंगाल का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान के साथ जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में गया था, लेकिन इस बंगाल के हिस्से की तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अब राजनीतिक रूप से व्यक्ति ये कहते हैं, अभी आप चर्चा में लोग कहते हैं कि नहीं साहब स्वतंत्रता 47-52 में नहीं मिली देश को, 50 को, स्वतंत्रता तो 2014 के बाद आई है जब से मोदी जी आए। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जिनको अतिरंजित रूप से सत्तारूढ़ दल जो प्रभावी अपनी बात रख रहा है उसके लिए सशक्त विपक्ष होना आवश्यक है और कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए कि यथा समय समय पर निर्णय लें, जिससे कि
राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो सके। चेतन जी, बात यहाँ सशक्त विपक्ष की उठ रही है और बीजेपी फुल मजे ले रही है, और सबसे बड़ी जो आरोप लग रहे हैं आप पर, ये भी लग रहे हैं आपकी पार्टी पर कि आप विपक्ष को यानी कांग्रेस को स्थिर ही नहीं होने दे रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा टंगड़ी फंसा देते हैं कि वो अच्छे वाले दौड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, और अब तो फूट और डलवा रहे हैं आप, फूट करो, फूट डालो और राज करो वाली स्टाइल। प्रकाश जी, कांग्रेस के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है, आंदोलन है, कहाँ गई विचारधारा, खिसक गया तंबू? तो आप रोज रोज नहीं, मैं इस पे नहीं आ रहा। जो लोग हमको कहते थे कि हम बहुत क्रिमिनल हैं, हम आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा, आज वो लोग कहाँ हैं? मुझे लगता है कि अगर ये अपनी विचारधारा पर इतना जिनको नाज था, अगर अपनी विचारधारा मजबूत रखते तो आज इस प्रकार का असर तो नहीं होता। लोग सत्ता में आने के लिए बेताब रहते हैं, वहां तो कर्नाटक देखिए ना, लोग छोड़कर जाने को बेताब हैं, सारे लोग लगे हैं, पक्ष से लेकर विपक्ष तक सारे नेता, उनके जितने भी हैं यूपीए में पिए हुए लोग, वो सब लगे हैं कि किसी तरह ये सरकार बचे, और वो कह रहे हैं हमें इस सरकार में रहना ही। मुझे लगता है जो लोग विचारों से टूटे हुए हैं, विचारों से जो लोग गिरे हुए हैं, उनका असर यही होना था। अब आप इसके लिए हमको दोष नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे करते रहे तो अभी आप ही खुद कह रहे हैं कि अभी कर्नाटक, उसके बाद अगला मध्य प्रदेश का नंबर, फिर राजस्थान। हमने कहा ना, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कर्नाटक में हमारा कोई एपिसोड नहीं है सर। अरे तो ढोल तो आप ही बजा रहे हैं ना। देखिए, राजनीति में मैसेज तो दबाव, इतना दबाव बना दिया आपने कि वो अभी देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू नहीं हुआ और उसके पहले कहना पड़ा बड़े नेताओं को यहाँ कांग्रेस के कि भाई लोगों पूरी एकजुटता के साथ सदन में रहना। आपके तरफ से तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। अरे नहीं सर, आप उसके बाद भी देखिए, एक मंत्री को दे दिया है, पांच विधायक ये तुम्हारे हवाले हैं। अरे भैया, इतना डर और भय, इस तरह लोकतंत्र नहीं चलता, इस तरह सरकारें नहीं चलती हैं। अगर इतना लोकतंत्र में रह करके डरोगे तो आप सरकार नहीं चला पाओगे। और सच भी यही है कि कमलनाथ जी सरकार चला भी नहीं रहे, ये तो केवल लगे हैं कि कितना आ सकता है, हिसाब किताब बराबर हो जाए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस तरह से नहीं है तो इस तरह से पूरी हो जाए। और लगभग लगभग कांग्रेस के विधायकों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। आप जिस बंगले पर चले जाओ, कितना शानदार उद्योग चल रहा है, इतना तो बढ़िया उद्योग इस हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। अंबानी जी भी फेल है, ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना शानदार उद्योग है, बिजली का बिल हाफ करेंगे, बिजली का बिल फुल कर दिया, बिजली हाफ हो गई, कहाँ है? बेरोजगारों को रोजगार देंगे? अरे भैया, वो ढोल चराने वाला भी नहीं दे रहे प्रकाश जी, जिसकी हम चर्चा करते थे, वो बैंड बजाने वाला काम भी इन्हें देना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है इतनी कंट्रोवर्शियल सरकार। अरे तो आप इतना बैंड बजा रहे हैं, अब उसमें अब बेचारी सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की जनता ने इतना तगड़ा विपक्ष दिया है, उनको मालूम था कि हम भाजपा को हटा तो रहे, लेकिन इस ताकत के साथ हटाएं कि इनका पुराना जो इतिहास है 2003 के पहले का, ये उस रोल में नहीं आ जाए। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो सशक्त काम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सारे संगठन नेता, चाहे वे संसद का मामला हो, चाहे विधायिका का मामला हो, विधानसभा का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे चौराहे का, हम हर जगह इनको इनके वादे याद दिलाएंगे। और इन वादों पर, इन्होंने जो वादा खिलाफी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन से किए, मैं तो कहता हूँ इन्होंने धोखाधड़ी की है। वेंटिलेटर की सरकार कभी कभी जाग जाती है, और वेंटिलेटर की सरकार जब कभी कभी जागती है तो ऐसे ही निर्णय होता है, क्योंकि वो एक शॉक का निर्णय होता है, झटका मारने वाला। तो आप देखते जाइए कितने झटके इस मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश को ये देते हैं। सार्थक पहल करेंगे भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ, मध्य प्रदेश के विकास में, गरीबों के जन कल्याण के लिए कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं मध्य प्रदेश का विकास हो, चाहे वे किसी भी रूप में हो। आज हम मध्य प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में दिया, हम मध्य प्रदेश की जनता के इस विचार का भी समर्थन करते हैं और सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र यही है प्रकाश जी। हमको विपक्ष का सम्मान करने का आदेश मिला, हम किसी ईवीएम पर, हम किसी पे धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाएंगे। ये मध्य प्रदेश का दिया हुआ जनादेश है, हम उसको सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। पटेल साहब, आपको क्या लगता है, ये जो विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें जो सरकार फिर से सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है सरकार की या बीजेपी की? इसके लिए जिम्मेदार वो जनादेश है जो जनता ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस को भी बहुमत नहीं दिया और बीजेपी को भी इतना पीछे नहीं रखा है, तो जो जनादेश निकला है उसमें हर पल विधानसभा में कसौटी पर
जो भी सरकार रहेगी उसको अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसको हमेशा अपने सदन में 116 विधायक बिठाल के रखना पड़ेंगे, कभी भी विपक्ष मांग कर सकता है सम्मत विभाजन। और चूंकि बजट सत्र है, बजट सत्र में यदि डिमांड पर सरकार गिर गई तो सरकार का इस्तीफा हो जाता है, बाकी दूसरे विधेयकों में तो नहीं होता, लेकिन इसमें सरकार को तत्काल इस्तीफा हो जाता है। तो इसलिए इस सरकार को या दूसरी सरकार तोड़फोड़ करके बन भी गई तो उसको भी यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी सरकार रहेगी मध्य प्रदेश में, जब तक किसी को अच्छा आरामदायक बहुमत नहीं मिलता तब तक नहीं, पर कांग्रेस इस समय आरामदायक बहुमत के करीब है या है नहीं? अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास खुद के 115 विधायक हैं, ठीक है, कांग्रेस के 114 और एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल को मिला लीजिए तो 115 हो गए, एक आपको और बनाना था, अब उसमें को आप बना नहीं पा रहे, और वो सुरेंद्र सिंह सेहरा जो हैं वो आज फिर कह रहा है अपन तो मंत्री बनेंगे भैया कुछ भी हो जाए, तो ये मतलब क्या कांग्रेस की तरफ से ही उनको कहा गया है या मजे लेने के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो भी वैसे याद दिला रहे हैं सब मैं रह गया हूँ मंत्री बनाओ तो ये इस प्रकार का जो बहुत मिला है उसका परिणाम है कि हमेशा जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसको तलवार की धार पर चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 विधायक भी दे की सरकार गिर जाएगी। वो समय गए जब कम विधायकों के बहुमत के की सरकारें भी चली राज्यों में, दिग्विजय सिंह जी को भी कोई बहुत बड़ा बहुमत नहीं था लेकिन वो 10 साल सरकार चलाए। जी सेहरा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही आज, उन्होंने कहा है कि मंत्री परेशान है लेकिन मेरे सारे काम हो रहे हैं इसलिए मैं खुश हूँ। अच्छा, भी बड़े मायने हैं। अकेले सेहरा जी नहीं, ऐसे कम से कम 10 विधायक हैं जो सीधे सीधे सीएम से जो चाहते हैं वो कराते हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना भिंड से जो जीते हैं बीएसपी के विधायक सारे, आप अगर पता लगा ले वो इस समय पूरे प्रदेश के पूरे रेत का ठेकेदार हो गए हैं, मतलब सारे जो जितना दबाव बनाकर सरकार में काम करा सकते हैं। चलिए, लोकतंत्र की यही खूबी है, कभी कुछ कमियां भी आती हैं सामने और वो कमियां हमको सबको नजर आती हैं, पर सबसे बड़ी बात यही है कि जनता ये चाहती है जनप्रतिनिधियों से कि वो जनता के हित की बात करें बजाय ट्रांसफ़र पोस्टिंग के। और अफसोस की बात तो ये है कि मंत्री इस समय जनता के हित के काम नहीं कर पा रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे हैं। और यहाँ एक बात और चिंता का विषय है कि खुद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी ये कह चुके हैं कि अपना परफॉर्मेंस दीजिए, उसी के हिसाब से आपकी अगला भविष्य तय होगा। परंतु इसकी चिंता भी शायद मंत्रियों को, तो कई मंत्रियों को नहीं, ऐसा नहीं कुछ मंत्री तो कर रहे हैं वाकई जनता के काम, पर अधिकांश की यही स्थिति है कि वो अपने में ही मस्त मगन हैं। और ऐसे में कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी गुटबाजी तो चरम पर है। अब इसमें लोकतंत्र है तो जाहिर सी बात है दोनों दल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर।